जय महाकाल दोस्तों, हमारे चैनल आयुर्वेदा ज्ञान एंड तंत्र मंत्र में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ। आज यह एक बहुत ही खास वनस्पति जिसका नाम महारुख, घोड़ा नीम, अरलू, गोरी मक्काबा, दीर्घवृत्त, महारुख, पूती वृक्ष, अडू आदि आदि नामों से यह जाना जाता है। यह जो है बहुत ही आसान से मिलने वाली वनस्पति है, पर बहुत से लोग इसके उपयोग नहीं जानते और यह बहुत ही लाभदायक औषधि है जो कि आपको जंगलों में, सड़कों किनारे या खुले मैदानों में आपको आसानी से देखने को मिल जाता है। यह जो है बहुत ही लाभकारी औषधि है और इसे घोड़ा नीम भी कहा जाता है क्योंकि पत्ते इसके नीम के आकार के ही होते हैं, पर इसके पत्ते थोड़े बड़े होते हैं और इसमें एक दुर्गंध सी आती है। यह जो है बहुत ही लाभकारी, जो कि अगर इसके छाल का क्वाथ बनाकर अगर जहाँ पे सड़े हुए घाव, जो घाव भरते नहीं हैं, उस घाव को धोने से भी यह उस घाव को भर देता है। यह महारुख का वृक्ष और इसके पत्ते अगर पीस कर लेप कर दिया जाए तो उससे भी कितनी भी पुरानी से पुरानी घाव है जो कि भर नहीं रही है वो भी भर जाता है। जिनके पैरों में सूजन आ गई हो, घुटनों में दर्द रहता हो, उसमें भी अगर इसकी पत्तियों को पीस कर और हल्दी इसमें मिलाकर उसका लेप कर दिया जाए, पुल्टिस के रूप में अगर बांध दिया जाए तो यह उस सूजन को भी कम करती है, उसके दर्द को भी कम करती है। अगर कान के दर्द है तो इसके पत्ते पर तेल लगाकर सेंधा नमक छिड़क कर इसका रस निकाल कर 1 से 2 बूंद रस को कान में डालने से कैसा भी कान का दर्द हो वह दर्द दूर हो जाता है। यह हमारा प्रमाणित है, इसका उपयोग हम करते हैं। इसकी दूसरी विधि यह भी है, इसके छाल को पीस कर उसे तिल तेल में पकाकर तिल तेल को छान कर रख ले, इसे 2 बूंद कान में डालने से कर्ण शूल का समन होता है। और भी इसके कई ऐसे प्रयोग है, जैसे कि किसी को ज्वर आ गया हो, 10 ग्राम इसके छाल को 80 मिली जल में पकाएं तथा 20 मिली शेष रहने पर ठंडा करके उसमें शहद मिलाकर प्रातः सायं पिलाने से ज्वर का भी यह नाश कर देता है। श्वास रोग में भी इसका उपयोग किया जाता है। 1 से 2 ग्राम चूर्ण में संभाग अदरक का स्वरस तथा शहद मिलाकर सेवन करने से श्वास में भी यह लाभकारी सिद्ध होता है। और भी इसके बहुत सारे ऐसे औषधीय गुण है, जो कि इसका बवासीर में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी छाल, चित्रक मूल, इंद्रयव, करंज की छाल, सेंधा नमक, इन सदियों को संभाग लेकर पीस कर चूर्ण बना ले। इस चूर्ण को 2-4 ग्राम की मात्रा में लेकर 7 दिन कम से कम सेवन करने से, पीने से यह बवासीर में भी बहुत ही लाभकारी यह सिद्ध हो चुका है और बहुत ही कारगर यह औषधि, जो कि आसानी से यह प्राप्त कहीं कहीं आपने देखा भी होगा। पर कुछ लोग क्या है, देखकर भी इन पौधों को अनदेखा, उसकी पहचान नहीं होने के कारण उसका उपयोग नहीं कर सकते। महाराष्ट्र के क्षेत्र में इसको वृक्ष का राजा कहा गया है, महारुक्ष को, और इसका बहुत से तांत्रिक प्रयोग भी लोग करते हैं। मैं बता नहीं सकता उसके बारे, क्योंकि यह बहुत से ऐसे इसके गलत भी प्रयोग होते, अच्छे भी प्रयोग होते हैं महारुक्ष के पेड़ का, और बहुत सारे ऐसे ताबीज़ भी बनाए जाते हैं इसके छाल का, इसके जड़ों का, इसके पत्तों का, जो कि कई तरह के तंत्र प्रयोगों में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो यह आपके सामने मैंने ये महारुक्ष का वृक्ष का दर्शन कराया है, जो कि बहुत से लोग इसे देखते भी होंगे, बाकी उसको पहचान नहीं होने के कारण किसी भी तरह का उपयोग नहीं कर पाते और यह आसानी से मिल जाता है। ये घोड़ नीम के नाम से इसलिए जाना जाता है,
कि ये कितने भी सड़े से सड़े घाव को, जो कि आपका ठीक नहीं हो रहा, जख्म जितना भी गहरा हो, ये उसको भरने वाली औषधि है, ये हमारा प्रमाणित है। इसके साथ हल्दी को मिलाकर अगर लेप करते हैं तो आप देखते हैं कितने भी पुराने से पुराने जो भी घाव है वो भर जाते हैं। तो आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे, तो हमारा चैनल शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं कि हमारे आगे आने वाले वीडियो को आप देख सकते हैं। और भी कई ऐसे वीडियो लेकर मैं आपके बीच फिर प्रस्तुत होऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। जय महाकाल, जय माँ का मक्या, जय माँ तारा।